जय हिंद दोस्तों, मैं मुन्ना, आपका अपना YouTube चैनल मुन्ना टाटा पर आपका स्वागत करते हैं। और आज हमारे सफर का छठा दिन है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम केरल बॉर्डर के आसपास हैं और ये सफर आगे बहुत लंबा चलने वाला है और इसके बहुत सारे एपिसोड आए, तो आप जरूर इसको वॉच करते रहें और मजा लेते रहें। चलिए अब चलते हैं बस स्टैंड की ओर। ये सामने बस स्टैंड है और ये हम लोग बस में बैठ चुके हैं। जहाँ लोग स्नान भी करते हैं, देख देख सकते हैं स्नान करने वालों की भीड़। मेरी नज़र में बेस्ट बस सेवा कर्नाटक की है। मैं पहले भी कर्नाटक घूम चुका हूँ और इस बार फिर से कर्नाटक घूम रहा हूँ और ये मेरी पहली बस है कर्नाटक की टूर में, और मेरी नज़र में सबसे बेस्ट बस सर्विस कर्नाटक। भारत के पश्चिमी घाट को चार स्टेट शेयर करते हैं। पश्चिम घाट बोले तो अरब सागर का तट, और वो चार स्टेट है केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र, जिसमें सबसे कम हिस्सा है गोवा का और कर्नाटक का बहुत बड़ा हिस्सा अरब सागर के तट पर आता है। और इस इलाके में बहुत सारे खूबसूरत बीच, किले और जंगल, और इस इलाके में काजू, कॉफ़ी, नारियल और सुपारी और मसाले बहुतायत मात्रा में होते हैं। आप देख सकते हैं ये दाहिनी ओर बेंगलोर को रोड जाती है और बाईं ओर ये हम लोग धर्मशाला की ओर जाएंगे। हम लोग धर्मस्थल पहुंचने वाले हैं,
तो चलिए वहाँ उतरने के बाद मिलते हैं। हम लोग श्री धर्म स्थल नामक जगह में पहुँच चुके हैं और ये यहाँ का बस स्टैंड है, आसपास में आप देख सकते हैं। और ये धर्म स्थल का मुख्य गेट है और इसके आसपास के नज़ारे जो आप देख सकते हैं, सड़कें भी काफ़ी अच्छी है, हरियाली है, खूबसूरती, और आसपास तो जंगल और पहाड़ की भरमार है। लगभग एक घंटे हो गए हम रूम ढूंढ रहे थे रहने के लिए, किसी होटल लॉज में, कहीं भी खाली नहीं। यही दक्षिण भारत में यही प्रॉब्लम, इतने लोग तीर्थाटन पर रहते हैं कि आप देख ही सकते हैं, हर जगह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। पर चलिए, बहुत घूमने के बाद रूम का पता चला है और अब चलते हैं, सब सामान वामान लेके आते हैं। 1 किलोमीटर तो ढूंढते ढूंढते आ गए हैं। देखिए, रूम मिला तो नहीं है, मगर आश्वासन मिला है कि हाँ, आप आइए फैमिली लेके तो हम आपको एक रूम देंगे। तो अब चले फैमिली लेके आए, क्या कहाँ कहाँ घूमते रहे, क्या कि मेरा आदत है कि मैं पहले रूम का पता कर लेता हूँ तो ही फैमिली को लेके आता हूँ, नहीं तो कहाँ कहाँ लेके उतना सामान लेके, क्योंकि हम लोग लंबे ट्रिप पर हैं तो सामान भी काफ़ी है, तो इसलिए